कि भगवान ना करे वो दोबारा हमें देखने को मिले। हम लोग अपने घर का हैंडल तक छूने में डरते थे, अपने सहयोगी के घर जाने में डरते थे, किसी रिश्तेदार को बुलाने में अपने घर डरते थे। यहां तक कि ऐसा समय आया कि भगवान ने अपने दरवाजे भी हमारे लिए बंद कर लिए। जग करके और इस दिल्ली की सेवा की, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजानी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को तालियां बजानी चाहिए, नमन करना चाहिए उन एमसीडी के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी मेरे भाई बंधुओं को, उन एमसीडी के डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके लोगों की सेवा की। ताकि टेस्टिंग के अंदर हाथ बटाया मात्रा में जो है ना, मतलब डिलीवरी की जो संख्या है वो काफी अच्छी है। के आसपास जो है ना यहाँ पर हुई है और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। फिर हमें हमारे जो भाजपा के संस्थापक थे उन्होंने हमें दी है। हम खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, हमें खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। जनता को लाभ देना, जनता के हित में काम करना, ये हमारी एक परंपरा सी बन गई है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिन्होंने गरीब को हर झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान मिले, साथ ही साथ जो रेहड़ी पटरी वाले हैं कोरोना के काल में, देखिए अभी तक जैसे कि अनिल भाई ने बताया कि इंटरनेशनल की बातें हुआ करती थी, देश की बातें तो बात की बात है। शौचालय बनवाना क्षेत्र के अंदर रेहड़ी पटरी वालों को फीस स्कूल की दे करके शायद चाहते हैं कि हमारे स्कूल बच्चे जो है बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां की जो शिक्षिकाएं होती है कितनी पढ़ी लिखी होती है, इसमें मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहूंगा। हमारे ईडीएमसी में यह प्रतिभा विद्यालय है, हर टीचर हर शिक्षक उच्च शिक्षित है, तरह तरह के काम आप एक बार विजिट कीजिए। और सच में बताऊं, आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना भूल जाएंगे और इस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। आप सबका स्वागत करें। हो गया, नहीं नहीं, स्वच्छता डगमगाई हुई थी पहले क्योंकि संसाधन की बहुत कमी थी, लेकिन जब से भाई साहब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाला मेरे वार्ड में लगा है, 100% कूड़ा मुक्त मेरा वार्ड हो गया है। 8 गाड़ी सुबह चलती है भाई साहब, उसके बाद 4 गाड़ी रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे रात तक, जो सीमापुरी में हमेशा कूड़ा ही कूड़ा कूड़ा ही कूड़ा रहता था। और सीमापुरी विशाल कॉलोनी से भी अच्छा हो गया है कूड़ा के मामले में, एक भी फोन वहां से नहीं आता है कि मैडम वहां कूड़ा जमा है। इसी तरह भाई साहब शिक्षा, शिक्षा में भी हम दिन रात लगे रहते हैं। हमारे पास भाई साहब 3 स्कूल है, 6 पालियां चलती है। कई बार सर्वेक्षण हुआ, चाहे प्रदेश के अधिकारी हो चाहे एमसीडी के अधिकारी हो, हमेशा शिक्षा में मेरा प्रतिभा विकास विद्यालय अव्वल में रहा है। स्वच्छता में भी प्रथम स्थान और शिक्षा में भी और साथ में खेल कूद में भी हमेशा प्रतिभाशाली हमारा, जिस तरह से प्रतिभा विकास विद्यालय नाम है उसी तरह से पूर्व भी दिल्ली नगर निगम में हमेशा ऊपर ही रहा है। इसी तरह से भाई साहब ये मैटरनिटी डिस्पेंसरी डीएचए साहब ने बताई दिया, जिस 10-10 एक दिन में डिलीवरी होती थी भाई साहब कोरोना काल में। इतने सारे काम होते हैं वो सारे डॉक्टर मुकेश जी के जरिए अस्पताल के सारे होते हैं। ये नामकरण की जो परंपरा है ये इसलिए है कि हमारी जो पीढ़ी है, चलो हमें तो पता है, हमारे जो बच्चे हैं आज से 100 साल बाद 50 साल बाद हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं उनको कैसे याद रहेगा। तो जब ये नामकरण होता है तो उस नामकरण से उनको पता लगता है कि माँ जानकी, या जिस प्रकार का पावन कार्य आपने किया है, मैं ज़्यादा ना कहते हुए बहुत सारी बातें हमारे बीच में आ चुकी हैं।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी। दिलशाद कलानी वार्ड में निर्मल जैन जी हैं, यहाँ के महापौर सब क्या कहेंगे आज उद्घाटन के लिए? बहुत बढ़िया कार्यक्रम, आज बड़ा पावन और पुनीत कार्य आज हमारी बहन इंदिरा झा जो यहाँ की पार्षद हैं उन्होंने किया है, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को जिनके चेहरे पर एक उल्लास दिखाई दे रहा है, सीता माँ हमारे हृदय में है और इसीलिए हम प्रभु श्री राम से पहले सीता माँ का नाम लेते हैं और हम सब कहते हैं सीता राम। आज उस सीता माँ के नाम पर आज जो ये जो नामकरण कार्यक्रम हुआ है, मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ और सीता माँ हम सब के लिए आशीर्वाद दें। और कंचन जी का क्या कहना है मैम? आज देखिए ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि माँ जानकी के नाम से ये मातृत्व केंद्र का नाम रखा गया है। जहाँ शब्द माँ का जुड़ जाता है वहाँ पे हम सबको शक्ति मिलती है, और आने वाली हर महिला जो यहाँ पे आएगी मातृत्व के लिए, निश्चित रूप से वो एक अच्छे बच्चे को भी जन्म देगी और एक संस्कारी बच्चे को जन्म देगी और एक बहुत अच्छे से वो अपना जो मातृत्व है वो पूरा करके जाएगी। अनिल जी आप क्या कैसे बधाई देंगे? क्या तो काफी कुछ तो वहीं से अपन से बोल चुका हूँ, मैं तो केवल बहन जी को बधाई ये दूंगा कि इतने कम संसाधनों के बीच में भी इस तरीके के काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेयर साहब और दोनों निगम पार्षद बहनें हमारी खड़ी हुई हैं, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बाकी सभी पार्षदों से भी आग्रह करता हूं कि वो कम से कम ऐसे ही बने जैसे हमारे मेयर साहब और हमारी बहनें हैं। जी इंदिरा झा जी आपका क्या कहना है? ये मैटरनिटी का नाम नहीं रखा। अरे वो कहां गए डॉक्टर साहब? उसके देखते हुए जीवन कटवा लीजिए ना। अरे माँ जानकी क्योंकि मैटरनिटी है महिला के लिए है, इसीलिए मैंने देखते हुए माँ जानकी का नाम रखा। भारत माता की जय। एनआरसी लागू कर दिया आधार कार्ड के दिलशाद कॉलोनी वार्ड की निगम पार्षद इंदिरा झा जी हमारे साथ में। आज दो कार्य इन्होंने अपने वार्ड में किए हैं, वो क्या इन्हीं से जानते हैं। मैम क्या क्या आज शुभारंभ किया जा रहा है वार्ड के अंदर? देखिए हमारे यहाँ ये प्रसूति गिरी बहुत पुरानी काल से है जी, उसमें सीमापुरी नाम लिखा हुआ, तो जनता का मांग था कि कोई नाम जी रहना चाहिए, तो मैंने क्योंकि ये महिलाएं के लिए बच्चे होते हैं इसीलिए माँ जानकी मैंने नाम रखा। माँ से ममता की ममता झलकता है, जब माँ नाम लेते ही आपको होना चाहिए कि ममता मैं ये डिस्पेंसरी माँ जानकी सभी को पता है, इसी की परंपरा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा देश आगे बढ़ रहा, फल फूल रहा है जी। आज वैक्सीन सेंटर का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, आज आप खुद वैक्सीन लगवा रही हैं? जी आज मैं खुद वैक्सीन लगवा रही हूँ और आज ही मैंने वैक्सीन सेंटर का भी उद्घाटन करवा रही हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड के अगल बगल के लोग जिन भी भाई बहनों को वैक्सीन लगवाना हो फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं यहाँ वैक्सीन, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है जो किसी से पैसे ना लिया जाए। आज आप पहली डोज लगवा रही हैं? हाँ पहली डोज लगवा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने मेटर्निटी में ये लगवाया है, यहाँ किसी को परेशानी ना हो, आकर लाइन ना लगानी पड़े, अपना इंजेक्शन बिल्कुल। लोगों से क्या अपील करेंगे कोरोना के टाइम? मैं अपील करूँगी दोबारा कोरोना फिर आ गया है, इसीलिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी, इसके साथ साथ आप लोग वैक्सीन भी लगाएं, वैक्सीन से डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ही लगवा रही हूँ तो कोई घबराए नहीं कि वैक्सीन से क्या होगा नहीं होगा, निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोच के आगे बढ़े। दिलशाद कॉलोनी वार्ड में 2 नए कार्यक्रम हुए, शुभारम्भ हुआ। विजय शंकर झा जी हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता है, सब क्या कहेंगे? मैं जनता जी आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, दिलशाद कॉलोनी वार्ड के अंदर विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो स्कूल हो रहा हो या सफाई की व्यवस्था हो या डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, ये सभी मतलब विकासशील से विकसित की ओर निकल रहे हैं
और मुझे ये आज यहाँ का उद्घाटन देख करके और हमारे जो मेयर साहब आए थे निर्मल जैन जी, उनकी भाषण और उनके व्यवहार और साथ में श्रीमती इंदिरा झा जी जो यहाँ की निगम पार्षदा है, उनके कार्यों की जानकारी समझ करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि धन्य हैं हम और हमारा वार्ड जो हमें निर्मल जैन जी जैसे मेयर मिले और इंदिरा झा जी जैसे निगम पार्षद मिले। अभी हमारे साथी जो संगठन के साथी हैं, महेंद्र दुबे जी भी थे और हमारे विकास जी भी थे, मीनाक्षी जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं पुष्पा जी वो भी अच्छा काम कर रही हैं और यहाँ जो EDMC के DHA साहब हैं मुकेश जी वो भी थे। सब ने अपने अपनी बातों को रखा और बहुत ही अच्छा लगा कि इस यह क्षेत्र बहुत विकसित की ओर जा रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2017 में जब चुनाव जीत करके श्रीमती इंदिरा जी आई थी तो यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने अथक प्रयास से, अपनी संवेदनशीलता से, साथ ही साथ जो उनका कार्य करने की शैली है, मेहनत, एक माइक्रो लेवल पे जाकर कार्य को करना, समझना, अधिकारियों को मोटिवेट करना, वहाँ के डॉक्टरों को मोटिवेट करना, खुद मीटिंगें लेना और कभी भी कोई भी समय ऐसा नहीं रहता जब वो अपने समय को बर्बाद करती हैं, 24 घंटे वो जनता के लिए सोचती हैं, जनता के लिए बारे में बात करती हैं। भारत माता की जय।